वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियोस आपको देखने को मिले। भाई इतना खुशी है ना, मैं लिटरली बताता हूँ, मैं चीज़ों से इतना जल्दी मैं मतलब अट्रैक्टेड नहीं होता हूँ। चीज़ें ऐसी होती है, चाहे वो ट्रेलर के व्यूज रिकॉर्ड हो, चाहे वो मतलब स्क्रीन्स ज़्यादा हो, इन सब चीज़ों को देखकर मैं उतना मतलब हाइप वगैरह देखकर मैं खुश नहीं होता। कुछ ही चीज़ें ऐसी है जो मुझे लगती है कि भाई ये बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा पुश देने वाली है। कुछ ही चीज़ें होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मतलब मैंने रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बोला तो उसका क्या सीन चल रहा है, क्या लफड़ा चल रहा है मेरे को नहीं पता, अभी भी कंक्लूड हुआ नहीं है। क्योंकि मैंने एक पेज को भी देखा, उन्होंने भी डाला हुआ है कि पैन इंडिया अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है कि वो नहीं होने वाली। पैन इंडिया अभी भी चांसेस है कि वो कन्नड़ा एंड मलयालम में रिलीज हो, बिकॉज उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उससे कुछ लफड़ा चल रहा है। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो भाई बाकी दोनों लैंग्वेजेस में भी ये फिल्म आएगी। एंड कमिंग टू द पॉइंट, ये ना भाई ये वीडियो को मास शेयर मारना, क्योंकि भाई जल जाएगी कुछ लोगों की। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री में कोई हिंदी फिल्म का फैन शो FDFS फर्स्ट डे फर्स्ट शो अपने लोकल स्टेट्स के अंदर ऑर्गेनाइज करा रहा है। एंड वो कोई शाहरुख खान के फैंस नहीं है, वो बिकॉज मेरे तमिलनाडु मेरे चेन्नई के अंदर में हम लोगों का गैंग है। हमारा जो SRK CFC जो हमारे भैया चलाते हैं, वो हम जो सब है वही हम लोग ही ऑर्गेनाइज करते सारा फैन शोज तमिलनाडु के अंदर। फर्स्ट टाइम एवर तलापति विजय के फैन क्लब्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो तमिलनाडु के अंदर। सिर्फ यही नहीं, रुको सबर करो, ये तो एक रिकॉर्ड हिस्ट्री बन गया। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी हिंदी फिल्म को तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु के लोकल जो एक्टर्स के जो लोकल स्टार के जो फैंस हैं उन लोगों ने कभी किसी हिंदी फिल्म के लिए ऑर्गेनाइज फैन शोज ऑर्गेनाइज नहीं किया है। सेकेंड थिंग, केरला में दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री कि कोई हिंदी फिल्म का फैन शो ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो केरला के लोकल स्टेट्स की जो लोग हैं वहाँ पर, जो वो मल्टी स्टार्स के फैन है, वो सिनेमा लवर्स है। दे आर नॉट लाइक ये मैं इसका फैन हूँ। भले वो किसी के फैंस, मेरे जैसा मैं किसी का फैन हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को वो पिक्चर मेरे हीरो से ज़्यादा बेटर होगी, लेकिन मैं अपने हीरो की फिल्म को ज़्यादा बेटर बोलूँगा, ऐसा नहीं। फैनशिप्स है बट अप्रिशिएटिंग द अदर सुपरस्टार्स हार्डवर्क, अप्रिशिएटिंग देयर वे ऑफ वर्किंग, वो टाइप के लोग हैं तो उनको सिनेमा लवर्स बोलते हैं। तो भाई फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री भाई, जबकि ये फिल्म मलयालम में रिलीज एज ऑफ नो 100% 50-50 है, एज ऑफ नो ये 100% कन्फर्म भी नहीं हुआ कि मलयालम में रिलीज हो रही है नहीं हो रही, लेकिन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री शाहरुख खान की फिल्म कोई हिंदी इंडियन फिल्म को केरला के अंदर फर्स्ट डे फर्स्ट शोज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। टिकट्स बुकिंग वगैरह सारे के सारे बुकिंग्स, क्योंकि वो लोग क्या है कि वो लोग एक लिस्ट बनाते हैं, वो लिस्ट में 400 से लेकर 4000 लोग होते हैं, एंड वो लोग के हिसाब से वो लिस्ट बनाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, वो पैसे के हिसाब से वो लोग कूपन वगैरह जो भी चीज़ें वो सब कुछ उनको बता देते हैं, एंड उसके हिसाब से वो PVR से डिस्कस PVR आइनॉक्स सिनेपोलिस के साथ मतलब डिस्कशंस बॉन्डिंग वगैरह होता है, कोलैब उनका होता है, उनके बाद वो फर्स्ट डे फर्स्ट शोज ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो भाई जल गई वाली मोमेंट है ये, क्योंकि भाई अच्छे फिल्मों को भी इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना इस बंदे को मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, पठान ना सिर्फ और सिर्फ एक क्या बोलते हैं वो, पठान अगर स्टुअर्ट मिनी है ना तो जवान विराट कोहली। तो मैं ये बात इतना डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों फिल्म में, इतना डिफरेंस बता रहा हूँ। मेरे को बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में नहीं पता कि करुण नायर 300 मारेगा, विराट कोहली 100 मारेगा, मेरे को उसका नहीं पता, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों फिल्म में। क्योंकि भाई ऐसा हो गया है कि पैन इंडिया का जो टैग लगता है ना वो एक बार इस बंदे को लग गया, क्योंकि ये भाई ये पैन इंडिया नहीं है, ये ग्लोबल सुपरस्टार है, बट स्टिल उसका हंगर जो है ना वो पैन इंडिया के लेवल पे, जो हंगर है वो हंगर का अगर तोड़ मिल गया, पैन इंडिया लेवल पे फिल्म क्लिक हो गई है ना एक बार, माँ कसम इमेजिन करो वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस कितना होगा। एक सिंगल लैंग्वेज में, एक ओरिजिनल सिंगल लैंग्वेज में ये बंदा 13,000 करोड़ मार रहा है। थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल गया ना जितना बाकी लोगों को मिलता है, तो उतना सा भी सपोर्ट मिल गया ना खत्म कर देगा भाई, खत्म करके
मेरा एक बंदा है, मतलब वो एक्चुअली वो फिल्में एडिट कर रहा है, वो बंदा मेरे को फ़ोन करके, वो साउथ इंडियन बंदा, उसको हिंदी आती नहीं है, बट वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की फिल्में देखता है, एक ऋतिक रोशन एक शाहरुख खान। तो वो बंदा बोल रहा है कि भाई कोई नहीं है टक्कर में इस बंदे के, फिलहाल कोई भी आसपास भी नहीं है भाई, डर के घबरा के भागेंगे सब इससे जब ये फिल्म रिलीज होगी जवान। तो लिटरली ऐसा क्रेज है साउथ में, ऐसा क्रेज चल रहा है यहाँ पे, एंड FDFS ऑर्गेनाइज करा रहा है, मतलब इस बार पहली बार होगा मेरे स्टेट के अंदर भाई हमारा भी मतलब FDFS होगा, और किसी और फैन क्लब तलपति विजय का फैन क्लब ऑर्गेनाइज करा हो, तो दो 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 साउथ के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो इसको मतलब FDFS ऑर्गेनाइज करेंगे। प्लस केरला में भी ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, मतलब मेरे को लग रहा है ये कन्नड़ा एंड मलयालम में अगर इस फिल्म को 100% रिलीज किया जाएगा ना, क्लिक कर जाएगी भाई, 100% कर जाएगी। तो लोगों एक बार तो सोचना चाहिए, अपना पैसा जेब भरने से पहले एक बार सोचना चाहिए भाई मूवी के लिए क्या अच्छा होगा। तो ठीक है, देखते हैं क्या है। ये वीडियो को जितना हो सके शेयर मारो भाई लोग, शेयर मारो, क्योंकि भाई पिछवाड़ा जलने वाली बात है ये, क्योंकि ना लोग बोलते हैं ना कि इसकी ज़रूरत है, इसको हम क्रेडिट चोर, इसका क्रेडिट इसी को नहीं जाता, मतलब वो 1000 करोड़ उसकी फिल्म में बनाया है लेकिन उसका क्रेडिट उसको नहीं जाएगा, उसका क्रेडिट उसको जाएगा जिसका फिल्म 50 करोड़ 40 करोड़ में ढेर हो जाता है, जिसका फिल्म 30 करोड़ 20 करोड़ एक्ट्रेस का या कोई हो गया उसमें कोई शॉपकीपर का रोल जो निभा रहा होगा, जिसका फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस 1 लाख होगा, उसको क्रेडिट जाता है। तो ये सारी चीज़ है ना भाई, जलन हिरिस वाली चीज़ें, तो ये सब चीज़ों से बाहर आने का, जितना ये लोग जलेंगे ना उतना वो जलाएगा। सेम क्राइटेरिया मैं निभा रहा हूँ, मेरे से भी कुछ है ना, सबको पता ही होगा मेरा सीन, जितना मुझसे जलेंगे उतना मैं जलाऊंगा, उतना ही जलाऊंगा और बजा बजा के जलाऊंगा। तो मैंने भी ये सारी चीज़ें उनसे ही सीखी है, रिसेंटली मैंने वो चीज़ सारे ग्रैब की है क्योंकि बहुत ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त, मेरे सीनियर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स समझाते हैं मेरे को कि भाई उस किसका फ़ैन है यार, तो उसको फॉलो करना, ये मामले में उसके रूट में चलना, बस और क्या है। वीडियो सही लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपने एक वीडियो से, तब तक ले।